ऐसी आइसक्रीम तो क्या, हमें ऐसा चिमचा भी आज पहली बार देखा। ओरियो से काफी, ये सालम भी बना देंगे। भूल गए, हम पढ़ लें अंग्रेजी में लिखा है सर, तो हम वो मारेंगे ना तर्जुमा करने वाला टक। आपको क्या लगता है कि मैकडॉनल्ड्स वाले आइसक्रीम बेचते होंगे? हाँ बेचते तो होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पता नहीं, ये तो हमारे पता नहीं। वो आइसक्रीम कोई इतनी छोटी मोटी नहीं है जिनमें से उनका जिलत खत्म हो जाए या कम हो जाएगा, इज्जत कम हो जाएगी। आइसक्रीम शहनशाह है। आज हम आपको मैकडॉनल्ड्स की खास आइसक्रीम खिलाएंगे, लेकिन अलग अलग। लेकिन एक साथ खाने से तो मोहब्बत बढ़ती है। हमारा मोहब्बत खराब होगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। आओ ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसका नाम है हॉट फज संडे। संडे हॉट तो नहीं कहो कम से कम इसको। हॉट फज इतना सर्द है, आप हॉट कह रहे हो इसको? मैंने बोला हकीकत से गरम। पता नहीं अंदर मिर्चे डली हुई हो। इतना हॉट ना, जबरदस्त खूबसूरत हो जा रजान से तो मोलू मगे दिन तो दस का नहीं अंदर ही को या समसम। इसमें अंदर क्या भाई दे? वाह भाई, ये चॉकलेट है डांबर नुमा। जी नाजरीन, ये मैं ट्राई करूं, जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाय हाय, आनंद आनंद। अब वो इतना इसको गर्म करके लाओ। बात की चेन बस चॉकलेट एकदम अच्छे है तो खरी ना मूठ किया कचो को। काली आइसक्रीम सही लग रही है, चॉकलेट नमकीन लग रहा है। चॉकलेट है उसके आइसक्रीम एक की चॉकलेट ने इसका जायका मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। क्या खाने में पेट ठंडा हो गया? मिर्ची खाते हैं। ये चॉकलेट है या वो अपना सिरप है? हॉट फज चॉकलेट की एक किस्म होती है जो कि चूल्हे पे पकाई जाती है। अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जाकर खाएं तो ये हॉट फज आइसक्रीम पर गरम गरम डालते हैं। ये फज ये तेज है यहाँ से, बहुत ही ये कड़वा है। इसको इसी आइसक्रीम में मीठा बनाया है। कड़वा भी है मीठा भी है और हमारे बस से बाहर की चीज़ है, लेकिन है ज़बरदस्त। आपको पता है कि ब्रेन फ्रीज क्या होता है? ब्रेन फ्रीज फ्रिज, ये इंग्लिश नाम हम कहाँ दे दे लोग जानते हैं। ये यही है, अगर ज्यादा खा लोगे दिमाग को ब्रेक में लगा ले, महफूज कर लेगा, जवाब देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तेज तेज से ठंडी चीज खा लेते हैं या पी लेते हैं तो एकदम से दिमाग में दर्द होने लगता है, इसे ब्रेन फ्रीज कहते हैं। मुल्ला को डरा दिया बच्चे को। और वही चीज अगर आराम से पिए उसका तो मजा ही अपना। जिंदा को ना खाना मौसम आए यखी अगड़ाई खुन सा के मगल दर्द शुरू में खेत ठंडा ठंडा कूल बेहतरीन जबरदस्त जबरदस्त जिंदाबाद। खुद दिल नहीं कर रहा हटाने का। ये जो आपके सामने रखी है ये है मैकफ्लरी ओरियो। ओरियो ओरियो एक बिस्किट का तो नाम नहीं है। खाएंगे रो मोल उगड़ा वीडियो तो आनी तो देखने में तो बहुत। पहले तो मैंने सोचा ये चाय की पत्ती डाल के लेके आई, अभी मेरे को पता चला ये ओरियो बिस्किट है। दिख रहा है कुछ नहीं? नहीं ये कड़क नहीं है। अरे ये चम्मच है, ये सुराख नहीं है। ऐसी आइसक्रीम तो क्या, हमें ऐसा चिमचा भी आज पहली बार देखा। ये बहुत ठंडा है। वो ठंडी है बहुत। थोड़ा सा गर्म पानी लाओ डाले। लाइक हल बिस्कुट आता रही तो बाकी अरे पास छड़ी जोड़ करो कुछ बड़ा था जोड़ कर बाज की चेन उगड़ा दी बाकी बाज यखो थी। मीठा ज़्यादा नहीं है इसमें, बिस्किट है वो खास चॉकलेट था, वो थोड़ा कड़वा था, ये कड़वा नहीं। सूखी हुई है ना वो बाथरूम थोड़ी पिघल गई थी, ये थोड़ी शायद तो ऐसी लग रही है। उन लोगों ने एक पैकेट ही पूरा इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। ये चिमचा पहली बार देखा ये। मुझे लग रहा है इसको बिल्कुल जूस की तरह करें और यहाँ से पी लें, पीछे से सुराख है इसको। नो नो कोई बंदा जल्दी नहीं है, ये टांगने के लिए है। देखो
अभी मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ ये ऐसा चम्मच क्यों है। इसके ऊपर कुछ ढकना होगा, फिर इसको ऐसे करके ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा इसको जेब में रखते हैं क्या? ये देख पेन की तरह लगा हुआ है इस पर। इस चम्मच को मशीन में लगा के ओरियो और आइसक्रीम को मिलाते हैं। दाढ़ी खांचे हर सर ही था, दाढ़ी खांचे शाहू के मशीन थी बाकी लगी ना मशीन थी लगी। चलो दिखाए। ओरियो डालने की बारी आई तब उसने चम्मच में यूं घुमाया, फिर इसको उससे निकाला, सीधा मेरे पास आके रखा। ऐसा ऐसा लोग नहीं करते, खुद अपने हाथों से करते, लेकिन ऐसा कोई मशीन नहीं है हमारे यहाँ। बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा, बात पीछे लग जाए, बात जबरदस्त आए, मज़ेदार। ओरियो से काफ़ी ये सालम भी बना देंगे। जिन लोगों को मीठा बहुत पसंद है उनको कहते हैं कि उनका स्वीट टूथ है। क्या आपका स्वीट टूथ है? मेरा नमकीन है, मेरे पूरे दांत ही स्वीट है। ये देख क्योंकि मैं मीठे की शौकीन हूँ ना, इसीलिए मेरे दांत पूरे मीठे मीठे हैं। और ये देख अभी तक लग रहा है आइसक्रीम लगी हुई, इसीलिए ओरियो बिस्कुट अटके हुए। अगर आप किसी के घर दावत पर जाएं और वहां पर खाने के बाद मीठा ना हो तो आपको क्या दुख होगा? हमारे यहाँ मीठा चाय खाने के बाद अगर वो उसको बनाते देखूंगी फिर बहुत खुश होंगी। फिर मैं बातें इस साइड से करूंगी, नज़र उस साइड पे रखूंगी, चूल्हे वाली हुई कब उतर रहा है नीचे आ रहा है। ये बताएं कि आप सारी जिंदगी सिर्फ आइसक्रीम पर जिंदा रह सकते हैं? नहीं नहीं, पैसे खाते हैं आगे नहीं मिले तो हम जिंदा रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? खाने अमूल को आइसक्रीम खुदा दे तो खरा जिंदगी हल चुक पास। जी नाजरीन आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, तो इसको लाइक करें, बेल का बटन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, जरूर। नमस्ते नमस्ते बाज मेहरबानी। कंट्रोल कड़क कड़क कड़क।